ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की दिल्ली निदेशालय की वे छात्रा कैडेट जो एक दिल्ली गर्ल्स बटालियन के अंतर्गत चयनित होकर इन दिनों 18 मद्रास रेजिमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। जी हाँ, इन कैडेटों को आर्मी अटैचमेंट कैंप के लिए दिल्ली में 18 मद्रास के साथ अटैच किया गया है, जहाँ इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 1750 में शुरू हुई मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। ये एक आर्मी अटैचमेंट कैंप है, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के 361 कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से हैं। ये 18 मद्रास रेजिमेंट के साथ अटैच किया गया है और इसमें आर्मी की रूटीन, आर्मी की डिफरेंट एक्टिविटीज़, इन्फेंट्री वेपन्स, सेक्शन बैटल ड्रिल, कैमोफ्लेज, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को दिखाई जाती हैं और बच्चे एक आर्मी रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं और इससे बच्चे के अंदर एक जज्बा आता है, वो मोटिवेट होते हैं ज्वाइन द इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ छात्रा कैडेटों को न केवल 18 मद्रास के अधिकारी और जवानों के अनुभवों को जानने का मौका मिल रहा है, बल्कि ये कैडेट 18 मद्रास के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए रोमांचकारी जीवन भी जी रहे हैं। इस शिविर में आकर उन्होंने बाधाओं को कैसे आसानी से पार किया जा सकता है, इसे भी बखूबी सीखा है। चुनौतीपूर्ण कार्यों को करते हुए इन छात्रा कैडेटों के हौसले भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं।